तो आज की ये क्लास प्रारंभ हो रही है त्रिभुज के अर्धकोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, सो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके कोज्य नियम, जिसके अनुसार cos A इज इक्वल टू था किसी त्रिभुज में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर, यह था। ठीक है, ये 2bc cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। yes, sir. cos a को cos 2a के फॉर्मूला से ब्रेक कर दीजिए। सो cos 2a को क्या लिखा जा सकता है, this implies 2bc 2 cos square a by 2 minus 1 is equal to b square plus c square minus a square। ठीक, सो यहां से हो गया, this implies 4bc cos square a by 2 और minus 2bc is equal to b square plus c square minus a square। Okay, so this implies 4bc cos square a by 2 is equal to b square plus c square plus 2bc minus a square minus a square, और वो उधर हो गया b plus c का whole square। So this implies 4bc cos square a by 2 is equal to b plus c का whole square और minus a square। आप उधर फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक, सो दिस इंप्लाइज 4bc cos स्क्वायर a by 2 is equal to b plus c plus a into b plus c minus, फैक्टराइज कर दिया और आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज 4bc cos स्क्वायर a by 2 is equal to, अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, एक संख्या एक परिमाप परिभाषित किया जा रहा है जिसे त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। वो अर्ध परिमाप क्या होता है, वो परिभाषित किया जा रहा है s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, त्रिभुज का अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी, ये पूरा परिमाप होगा, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, सो देखें a प्लस बी प्लस सी यहां पर वैल्यू रख दो, वो कितनी हो गई 2s, 2 इंटू एस इंटू, और b प्लस सी की वैल्यू वहां से b प्लस सी की वैल्यू 2s माइनस है, सो 2s माइनस है और एक माइनस है ऑलरेडी है, सो माइनस है, यहां से 2s माइनस 2a हुआ, 2 कॉमन हुआ, 4 हो जाएगा 4s इंटू एस माइनस a, ये 4bc cos स्क्वायर a by 4 4 कैंसिल हो गया, so cos square a by 2 this is equal to s into s minus a divided by bc, so cos a by 2 की वैल्यू cos a by 2 is under root s into s minus a divided by bc। इसी प्रकार
cos b by 2 or cos c by 2. इसी प्रकार cos b by 2 बराबर होगा अंडर रूट s into s minus b divided by c a. जब यहां a रहता तो b c, जब यहां b रहता तो a c. और cos of c by 2 is equal to अंडर रूट s into s minus c divided by AB. So here ये दो फॉर्मूला आपको और मिलेंगे. सो ये यहां पर आपने जाना cos a by 2 का. ठीक, अब अगला निकालते हैं sin a by 2 की वैल्यू, साइन बी बाई टू की वैल्यू और साइन सी बाई टू की वैल्यू कितनी है. नेक्स्ट इसी से संबंधित कॉस ए बाई टू आप ज्ञात कर चुके हैं और अब साइन ए बाई टू की वैल्यू, तो आप पुनः कोज्या नियम से प्रोसीड कर जाइए. सो कोज्या नियम से आपको मिला था 2bc cos a is equal to b square plus c square minus a square. तो इस बार cos a की वैल्यू आप 2 cos square a by 2 minus 1 ना रखें, बल्कि क्या रखें, 1 minus 2 sin square a by 2. So this implies 2bc 1 minus 2 sin square a by 2 is equal to b square plus c square minus a square. So ये हो गया 2bc minus 4 times bc into sin square a by 2 is equal to b square plus c square minus a square. इसको उधर ले आइए और इनको इधर ले जाइए. ठीक है, सो ये हो जाएगा 2bc minus b square minus c square plus a square is equal to 4bc sin square a by 2. ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर को आगे रखा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 4 टाइम्स bc इनटू साइन स्क्वायर ए बाय 2. ये हो जाएगा. अब ये b माइनस c का होल स्क्वायर है. सो दिस इज, दिस वन इज ए स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bc साइन स्क्वायर ए बाई 2. पुनः फैक्टराइज कर दीजिए. सो दिस वन इज a प्लस b माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस इज इक्वल टू 4bc साइन स्क्वायर ए बाय 2. अब ए प्लस बी इज इक्वल टू 2s माइनस सी. ठीक, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 बराबर s, इसलिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 2s माइनस सी माइनस ए प्लस बी का मान. यहां ए प्लस सी का मान ये हो गया 2s माइनस बी माइनस इज इक्वल टू
माइनस टू सी, टू एस माइनस टू बी, दो दो कॉमन मत, चार बार। दिस इंप्लाइज फोर इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इज इक्वल टू फोर टाइम्स बी सी साइन स्क्वायर ए बाई टू, फोर फोर कैंसिल। सो दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, या साइन ए बाई टू अंडर टू एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। इसी प्रकार साइन बी बाई टू और साइन सी इसी प्रकार साइन ऑफ बी बाई टू इज इक्वल टू अंडर टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस साइन बी बाई टू होगा और साइन सी बाई टू इज इक्वल टू अंडर टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय ए। सो ये दो फॉर्मूला इसी प्रकार से प्राप्त कर सकते, साइन ए बाई टू हुआ, साइन बी बाई टू हुआ और साइन सी बाई टू।